कोतवाली थाना क्षेत्र के गंगेस चौराहे के पास शुक्रवार को एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बचाव करने गया युवक भी घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर स्थित रानी का सराय निवासी अविनाश जायसवाल की पांडेहाता में रोल गोल्ड ज्वेलरी की दुकान है। अविनाश की बहन नेहा की शादी कोतवाली इलाके के गंगेस चौराहे के पास रहने वाले अजय जायसवाल से हुई है। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट के आदेश पर पति के मकान में एक कमरे में नेहा रहती है। आरोप है कि शुक्रवार को अजय ने किसी बात पर नेहा की पिटाई कर दी थी। नेहा ने अपने भाई को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अविनाश जायसवाल अपने साथी राजघाट क्षेत्र के रहने वाले व लकड़ी कारोबारी परमात्मा मधेशिया के साथ मौके पर पहुंचा था। वाद विवाद में अजय ने अविनाश के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। उसने ताबड़तोड़ कई बार उसके पेट में चाकू घोंप दिया। वहीं बीच बचाव में आए परमात्मा को भी घायल कर दिया। परमात्मा के पीठ और हाथ में चाकू लगा है। घायल अवस्था में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां अविनाश की मौत हो गई, जबकि परमात्मा मधेशिया का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार घटनास्थल पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमलावरों की पहचान में जुट गए।